अचानक से वो एंटर हुआ बचाओ बचाओ करते हुए, उसके हाथ में लेफ्ट हैंड में फ़ोन था। एक हाथ उसके पेट पे था जहाँ पे चाकू लगा हुआ था। थोड़ी देर में यहाँ पे झड़पटा के फिर यहीं पे गिर गया। हार्ट बीट तेज हो गई, जब डरते जाते खून में लथपथ था वो। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहाँ दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के खजूरी खास इलाके में, जहाँ पर दिन दिहाड़े एक शख्स जिनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है और उनका नाम अनवारुल बताया जा रहा है, उनके ऊपर 6 लोग चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरी वारदात ने इसी इलाके के शेरपुर चौक पर अंजाम लिया है, जहां पर और भी लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी और लोग पूरा तमाशा देखते रहे। जिसके बाद अनवारुल वहाँ मौजूद एक मोबाइल शॉप में जा पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने मदद मांगी लेकिन वहाँ भी उनकी किसी के द्वारा मदद नहीं की गई। आइए एक बार उसी मोबाइल फ़ोन स्टोर के मालिक से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरी वारदात की एक CCTV फुटेज भी हमारे सामने आई है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि मोबाइल स्टोर पर वो किस तरह घुसे हैं और किस तरह वहाँ पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। सर, कितने बजे के करीब वो आपकी दुकान में आए थे? मैम 4:01 की घटना है ये। मैं अपने शॉप में कस्टमर को हैंडल कर रहा था, तो अचानक से वो एंटर हुआ बचाओ बचाओ करते हुए, उसके हाथ में लेफ्ट हैंड में फ़ोन था, लेफ्ट में था या राइट में वो नहीं पता, बाकी एक हाथ उसके पेट पे था जहाँ पे चाकू लगा हुआ था, और वो थोड़ी देर में यहाँ पे झड़पटा के फिर यहीं पे गिर गया। फिर मैंने जब हार्ट बीट तेज़ हो गई, जब डरते जाते खून में लथपथ था वो, तो मैंने कहा उससे भाई भाई उठो उठो यहाँ से, तुम बाहर जाके कहीं बैठो। तो फिर मैंने जाके उसको ऐसे उठाया, इतना होश में था कि वो चाकू लगने के बाद फिर उठ गया मेरे कहने से, और फिर वो मेरे कहने से और प्रेस करने से वो बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद वो फिर बाहर बैठ के यहाँ पे बैठा रहा बहुत देर, बाहर टेबल पड़ी हुई है उस पर बैठ के फिर वो नाली में गिर गया, संभलना गया उस पर। नाली में गिरने के बाद वो फिर बाहर निकाल दिया नाली में से लगभगों ने, क्योंकि गंदा पानी पी पा के गंदा पानी ना मर जाए। उसके बाद फिर उसको आधे घंटे बाद उसके कुछ साथी आए, साथ के लोग उसको हॉस्पिटल ले गए। हाँ, तो आप क्या उन्हें पहले से जानते थे या पहली बार आपने उस शख्स को देखा था? मैंने CCTV में उसको पहली बार ही देखा उस बंदे को, बाकी उसके आसपास के जो साथ के बंदे थे तो बता रहे थे कि वो कल ही गांव से आया है। अच्छा। यानी अभी आपको ऐसा कोई जानकारी नहीं है, बस आपको ये आपकी दुकान में आ गया था बचने के लिए, क्योंकि उसके पीछे 4-5 लोग भगे हुए थे, तो बचने के लिए ऐसे सेफ्टी के पर्पज के यहाँ पे घुस गया वो दुकान में। तो आप उन्हें कब से जानते थे? ये 1.5 महीने से काम कर रहा था मेरे पास। यहीं रहते थे? वो यहीं रहता था। आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं? हाँ जी। तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी किसी से आपसी रंजिश हो कि उनके ऊपर इस तरह से हमला किया गया? नहीं नहीं जी, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं। मेरे पास यहाँ काम कर रहा था, काम करने के बाद में उसमें संडे का हिसाब होता था, छुट्टी होती थी संडे की, वो पैसे लेके गया, उसके बाद में मुझे नहीं पता क्या। कहाँ से थे वो? ये थे बिहार से जी। हाँ जी, अभी पिछले एक महीने से ही आपके पास आपके बैग बनाने की फैक्ट्री है? हाँ जी बैग की फैक्ट्री है। आपको इस बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, इस बारे में कुछ मुझे जानकारी नहीं है, बस 1.5 महीने से मेरे पास आया था वो काम करना। और अकेले रहते थे या परिवार के साथ? नहीं, अकेला था यहाँ पर। तो फिलहाल पुलिस ने कुछ जाँच करने की कोशिश करी, कुछ सवाल जवाब? पुलिस ने जानकारी ली थी कि हमें यह क्या हुआ कैसे हुआ। मैं गया था, मैंने कहा जी ऐसे शेरपुर चौक पे हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ में ना तो उसके किसी से लड़ाई हुई है, ना कोई आया है उससे मिलने, मतलब इस तरीके का कोई झगड़ा नहीं। कौन से थाने में गया था मामा? एक खजूरी थाने। तो देखिए अनवारुल इसी फैक्ट्री में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में बैग बनाने का काम करते थे और वो यहाँ पर करीबन 1.5 महीने से काम कर रहे थे। इसी को लेकर हम उस फैक्ट्री ओनर के साथ भी जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि अनवारुल यहाँ पर करीबन 1 महीने से काम कर रहे थे और फैक्ट्री ओनर को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि अनवारुल की किसी से आपसी रंजिश भी होगी।
साथ ही मोबाइल शॉप के ओनर के साथ भी जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो जब अपने कस्टमर्स अटेंड कर रहे थे दिन के वक्त, अनवारुल उनकी दुकान में जा पहुँचे और मदद के गुहार लगाने लगे, लेकिन किसी के भी द्वारा उनको कोई मदद नहीं दी गई। वहीं आधे घंटे बाद अनवारुल के जान पहचान के लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्हें अस्पताल लेके गए, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी है। हम आपको बता दें पूरा मामला दिल्ली के खजूरी खास थाने में गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है कि आखिर उनके ऊपर इस तरीके से हमला क्यों किया गया। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि जब दिन दिहाड़े देश की राजधानी दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कब सुरक्षित लोग महसूस करेंगे? आखिर कब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके के होते हुए अपराध कम होंगे? कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेजतर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।